हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रॉयल एग्री स्टूडेंट। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, जो कि ये इसका पार्ट वन है और जल्द ही इसका पार्ट टू लाने वाला हूँ मैं। तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सीजन, यानी कि ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। पहले नंबर पर बात करते हैं खरीफ क्रॉप्स, जिनको हम वर्षा ऋतु की फसलें भी बोलते हैं। खरीफ ऋतु में वातावरण में उच्च आर्द्रता व तापमान पाया जाता है। इस वर्ग की फसलों की बुआई के समय अधिक तापमान तथा आर्द्रता और पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। इन फसलों का न्यूनतम तापक्रम 15 से 19 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापक्रम 27 से 45 डिग्री सेल्सियस और अनुकूलतम तापक्रम 32 से 36 डिग्री सेल्सियस होता है। इन फसलों की बुआई जून जुलाई में की जाती है तथा कटाई 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच लगभग हो जाती है। तो बात करते हैं खरीफ सीजन की कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, लोबिया, मूंगफली, कपास, जूट, ग्वार, सोयाबीन, तिल और पटसन आदि फसलें आती हैं। सिंचित क्षेत्रों में बुवाई मई जून में की जाती है। नंबर दो पर बात करते हैं रबी क्रॉप्स, जिनको हम विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं। रबी वर्ग की फसलों के लिए बोते समय अपेक्षाकृत कम तापमान तथा पकते समय अधिक तापमान और शुष्क मौसम की आवश्यकता पड़ती है। इन फसलों के लिए न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस, अनुकूलतम तापमान 22 से 30 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इनकी बुआई अक्टूबर से नवंबर में की जाती है तथा कटाई मार्च अप्रैल में। रबी सीजन की मुख्य फसलें गेहूं, जौ, जई, बरसीम, राई, मसूर, आलू, मटर, चना, अलसी, लूसन, तंबाकू आदि फसलें आती हैं। नंबर तीन पर बात करते हैं जायद क्रॉप्स, जिनको हम समर क्रॉप्स ही बोलते हैं। इन फसलों में गर्म व शुष्क मौसम सहन करने की पर्याप्त क्षमता होती है। इनकी बुआई फरवरी मार्च में की जाती है तथा कटाई जुलाई में हो जाती है। जायद क्रॉप में खरबूजा, ककड़ी, तरबूज, खीरा तथा भिंडी आदि मुख्य फसल आती हैं। नंबर चार पर बात करते हैं लंबी अथवा परस्पर व्यापी फसलें, जिनको हम इंग्लिश में बोल देते हैं लॉन्ग एंड ओवरलैपिंग क्रॉप्स। वे फसलें जो साधारण खरीफ व रबी के फसलों की अपेक्षा अधिक समय लेती हैं, ओवरलैपिंग क्रॉप कहलाती हैं। ओवरलैपिंग क्रॉप में मुख्यतः तीन फसलें आती हैं, कपास, गन्ना और सूरजमुखी।